दोस्तों, यदि आप भी जसप्रीत बुमराह को एक घातक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह भारतीय टीम में एक ऐसे गेंदबाज ने ले ली है जिसने घरेलू क्रिकेट में कोहराम मचा के रख दिया है। इस युवा गेंदबाज ने बिना आईपीएल खेले भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है, जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है। उस खूंखार गेंदबाज की आग उगलती हुई गेंदों ने बल्लेबाजों की रात की नींदें उड़ा रखी है। तो आखिरकार कौन है वो युवा जिसे भारत का दूसरा बुमराह माना जा रहा है, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में कौन है अधिक खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की बात की जाए तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह का नाम सामने आता है। जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक यॉर्कर और बाउंसर से दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रखी हुई है। यहां तक कि कोई भी ऐसा बल्लेबाज विश्व क्रिकेट में नहीं है जो जसप्रीत बुमराह के नाम से घबराता ना हो। लेकिन भारतीय टीम का ये चमकता हुआ सितारा हमें विश्व कप में खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाला है, जो भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। लेकिन भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है और बीसीसीआई ने भारतीय टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया है जिसकी खतरनाक गेंदें भारतीय टीम के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। दोस्तों, वो गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि मुकेश कुमार हैं। जी हां, वो ये वही खिलाड़ी हैं जिसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया बी टीम में मौका दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरानी कप के पहले मुकाबले में ही मुकेश कुमार ने रेस्ट ऑफ इंडिया से खेलते हुए अपना कहर बरपाया था। इस गेंदबाज ने पहली पारी में ही अपनी आग उगलती हुई गेंदों से सौराष्ट्र के चार सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी, जिसके दम पर सौराष्ट्र महज 98 रन पर ऑल आउट हो गई थी। मुकेश ने 31 फर्स्ट क्लास मैचों में 113 विकेट लिए, जिसमें मौजूदा ईरानी कप भी शामिल है। 18 लिस्ट ए मैचों में 5.17 की इकोनॉमी के साथ मुकेश ने 17 विकेट लिए हैं। मुकेश हाल के दिनों में उन दुर्लभ क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्होंने आईपीएल खेले बिना भारत की टीम में जगह बनाई है, जो सबसे अधिक हैरानी की बात है, क्योंकि आईपीएल भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए सबसे अहम माना जाता है। ऐसे में यदि कोई खिलाड़ी बिना आईपीएल खेले भारतीय टीम में अपनी जगह बना रहा है तो वो जरूर खास ही होगा। इसी को देखते हुए लोग उन्हें जसप्रीत बुमराह का वारिस मान रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज साबित होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह के बिना विश्व कप में विजेता बन पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।